गाइज, आज के वीडियो में टाटा नेक्सॉन को टाटा पंच से कंपेयर करेंगे और ये कंपैरिजन बेसिकली टाटा नेक्सॉन के जो 8-9 लाख वाले वेरिएंट है उनको कंपेयर करेंगे पंच के 8-9 लाख वाले वेरिएंट से। तो अगर आपको कंफ्यूजन है, आपका बजट 9 लाख रुपए है या 8.5 लाख रुपए है एक्स शोरूम, और आप कन्फ्यूज हो कि यार पंच खरीदें या फिर नेक्सॉन खरीद लें, क्योंकि इस प्राइस में पंच के आपको टॉप मॉडल मिल जाएंगे लेकिन इसी प्राइस में आपको नेक्सॉन का सेकंड बेस या बोल सकते हो मिड वेरिएंट मिलेंगे, इनफैक्ट मिड से भी नीचे वाले वेरिएंट मिलेंगे, तो कन्फ्यूजन तो बनता है क्योंकि नेक्सॉन थोड़ी सी बड़ी है। तो देखते हैं इनमें से आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर हो सकती है, कंपैरिजन एंड तक देखना, जो भी आपके डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे। तो पहले तो प्राइसिंग आप देख लो, दोनों ही कार्स के वेरिएंट की प्राइस आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे मैंने बोला ना 8 से 9 लाख के बीच में, तो उसमें देखो तो नेक्सॉन में XM है जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 8.43 लाख, फिर XMS है, फिर पंच में आप देखो तो क्रिएटिव मॉडल जो कि टॉप मॉडल है पंच का, तो मैनुअल ट्रांसमिशन में प्राइसिंग है 8.42 लाख, फिर आता है क्रिएटिव IRA मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइस आप देख सकते हो, और हाँ काजीरंगा एडिशन भी आप देखो तो पंच का जो आता है वो भी 9 लाख के अंदर ही है, तो उसको भी अपन कंपैरिजन में रख सकते हैं। बट ऐसा कुछ खास नहीं है काजीरंगा एडिशन में, मतलब फीचर्स को लेकर के वो लुक वाइज या कॉस्मेटिकली ही चेंजेस ज्यादा मिलेंगे, तो वो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि XM मॉडल जो है ना उसको क्रिएटिव से कंपेयर करूंगा और जो XMS मॉडल है उसको क्रिएटिव IRA से कंपैरिजन करूंगा। तो XM और क्रिएटिव में प्राइस का डिफरेंस है मात्र 1000 रुपए का, यहाँ पे नेक्सॉन XM केवल 1000 रुपए पंच क्रिएटिव से महंगी है, XMS की प्राइस लगभग 31000 रुपए ज्यादा है क्रिएटिव IRA से। तो प्राइस का डिफरेंस ध्यान रखो। अब डायमेंशंस देखो तो स्क्रीन पे दोनों ही कार्स के एग्जैक्ट डायमेंशंस आपको मिल रहे होंगे, डायमेंशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, नेक्सॉन की साइज कंप्लीटली आपको बड़ी लगेगी, नेक्सॉन की लेंथ 166 mm से ज्यादा है, विड्थ 69 mm से ज्यादा है और हाइट 9 mm से कम है। तो हाइट जो है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 9 mm पंच की हाइट ज्यादा है, बट ओवरऑल आपको लगेगी नहीं क्योंकि लेंथ और विड्थ यहाँ पे नेक्सॉन की बड़ी है। नेक्सॉन का व्हील बेस भी 53 mm से ज्यादा है और गाइस नेक्सॉन में बोट स्पेस भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा 350 लीटर का, और इसी के साथ ग्राउंड क्लियरेंस में भी डिफरेंस है, नेक्सॉन में आपको 209 mm का है और पंच में 187 mm का, तो यहाँ पे भी नेक्सॉन का ग्राउंड क्लियरेंस 22 mm से ज्यादा है। तो ओवरऑल डायमेंशंस वाइज नेक्सॉन बहुत आगे है और ग्राउंड क्लियरेंस भी नेक्सॉन का बहुत ज्यादा है, लगभग 22 mm ज्यादा है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ऑफ रोड के लिए नेक्सॉन यहाँ पे मेरे हिसाब से फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए आपकी, हालांकि पंच में भी ऑफ रोड वगैरह अच्छा है जैसे उसको प्रमोट किया जा रहा है वो एक दूसरी बात है, बट यहाँ पे कंपैरिजन में नेक्सॉन विनर निकल रही है। इंजन देखो तो नेक्सॉन में मैं पेट्रोल इंजन को यहाँ पे केवल कंपेयर करूंगा क्योंकि पंच में केवल पेट्रोल आता है, तो देखो तो 1.2 लीटर रेवेट्रॉन टर्बो पेट्रोल मिलता है नेक्सॉन में जो कि 118 bhp की पावर देता है और 117 Nm का मैक्स टॉर्क देता है, 3 सिलेंडर का इंजन है और डीजल इंजन तो इसमें है ही जो कि मैं पंच से कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि पंच में डीजल इंजन नहीं है। पंच में देखो तो 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 84.48 bhp की मैक्स पावर और 113 Nm का मैक्स टॉर्क देता है, ये भी 3 सिलेंडर का इंजन है। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि नेक्सॉन का पावर आउटपुट और टॉर्क आउटपुट बहुत ज़्यादा है, लगभग नेक्सॉन का 34 bhp पावर ज़्यादा है और लगभग 57 Nm टॉर्क ज़्यादा है, तो यहाँ पे इंजन में भी नेक्सॉन विनर है। अब आते हैं फीचर्स की तरफ, तो XM के फीचर्स को क्रिएटिव के फीचर्स से कंपेयर करते हैं। ध्यान आप ये रखो कि XM नेक्सॉन का सेकंड बेस मॉडल है लेकिन क्रिएटिव पंच का टॉप मॉडल आता है, टॉप मॉडल आप ऐसे कह सकते हो कि मॉडल वाइज टॉप है, बट इसके बाद फिर ऑटोमेटिक है IRA है, तो वो दूसरी बात हो गई। एक्सटीरियर देखो तो नेक्सॉन XM का एक्सटीरियर फ्रंट से देखो तो फ्रंट में आपको पियानो ग्रिल मिलती है, DRL है, प्रोजेक्टर हैलोजन वाली लाइट मिलती है, साइड में चलो तो 16 इंच की स्टील व्हील है कैप के साथ, चारों तरफ आपको ब्लैक क्लैडिंग देखने को मिलती है। इसी के साथ नेक्सॉन में XM मॉडल में जो डोर हैंडल हैं या फिर ORBM जो है वो ब्लैक आउट किए गए हैं और ये मतलब पियानो फिनिश में नहीं है, थोड़ा सा रफ फिनिश में है, लेकिन इंडिकेटर यहाँ पे आपको ORBM में देखने को मिलेगा, रूफ रेल्स मिलती हैं, पीछे की तरफ चलो तो LED टेल लाइट्स मिलती हैं, तो ओवरऑल नेक्सॉन का लुक भी काफ़ी बेहतर है XM का, बट हाँ इसमें आपको टॉप मॉडल वाली फीलिंग नहीं मिलेगी कहीं से भी एक्सटीरियर में। क्रिएटिव देखो इसमें जो फ्रंट है वो पियानो ग्रिल है, सारे साथ में क्रोम लाइन भी यूज़ करी गई है जो कि प्रीमियम लगती है, प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलाइट मिलती है, फॉग लाइट मिलती है, DRL मिलता है, साइड में चलो तो साइड में 16 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं मशीन कट वाले और पियानो ORBM है, साथ साथ में टर्न इंडिकेटर भी ORBM में है और रियर वाली सीट के जो डोर हैंडल है ना वर्टिकली प्लेस्ड है,
तो ओवरऑल साइड से या फ्रंट से देखने में गाड़ी ये समझ आ रही है कि ये कोई टॉप मॉडल है। पीछे की तरफ चलो तो वही ट्राई एलईडी टाइप वाले टेल लाइट दी गई हैं और वाइपर डिफॉगर भी है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में मुझे लगता है कि पंच का क्रिएटिव मॉडल विनर है, प्रीमियम लगता है देखने में और ये टॉप मॉडल है तो ऑब्वियस सी बात है फीचर्स भी एक्सटीरियर में ज़्यादा रहेंगे। अंदर की तरफ चलो तो इंटीरियर में XM मॉडल में आपको रिमोट की मिलती है फ्लिप की वाली और ऑटो फोल्डेबल ORBM मिलते हैं, साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट भी मिलता है, चारों पावर विंडो हैं, जो क्लस्टर है वो फुली डिजिटल है और साथ ही साथ में जो इंटीरियर का डैशबोर्ड है ना वो ब्लैक और सिल्वर के साथ है। म्यूजिक प्लेयर मिलता है जो कि नॉर्मल वाला म्यूजिक प्लेयर है चार स्पीकर के साथ। मैनुअल AC मिलती है इसी के साथ। नेक्सॉन में ना मल्टी ड्राइव मोड भी मिलता है जो कि एक इसका हाईलाइटेड फीचर आप बोल सकते हो, जिसमें इको, सिटी और स्पोर्ट्स मोड मिलता है। अब क्रिएटिव में देखो तो क्रिएटिव का जो इंटीरियर है वो वाइट और ब्लैक में है, काफ़ी बेहतर लग रहा है। रिमोट की इसमें भी है और इसके ORBM भी ऑटोमेटिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल है, चारों पावर विंडो है और हाँ इसमें भी मोड मिलता है एक सिटी मोड करके या इको मोड करके, जो कि मतलब ऑब्वियस सी बात है नेक्सॉन जैसा तो नहीं है बट ये भी काम करता है। और इसमें आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी मिलता है जो कि एक अच्छी बात है। क्लस्टर इसमें सेमी डिजिटल है, मतलब कुछ एनालॉग पार्ट भी है, सारे साथ में MID यूज़ करी गई है डिजिटल वाली। इंफोटेनमेंट में इसमें टच स्क्रीन मिलता है जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, ऑटोमेटिक AC मिलती है। इसी के साथ जो AC में इसका जो बॉर्डर है ना उसमें एसेंट कलर भी यूज़ किया गया जैसे ब्लू रेड करके, तो वो थोड़ा सा हाईलाइट होता है और प्रीमियम लुक देता है अंदर। पंच के जो डोर है ना वो 90 डिग्री ओपन होते हैं तो ये भी एक एडवांटेज है कि पंच में ओल्ड एज वाले लोगों को चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होगी। रेन सेंसिंग वाइपर भी इसमें देखने को मिलता है और पडल लैंप भी है। तो यहाँ पे फीचर्स में देखो चाहे एक्सटीरियर में चाहे इंटीरियर में पंच आगे निकल जाती है। पंच में सब कुछ मिलता है, जैसे अगर मैं एक्स्ट्रा बताऊं जो कि नेक्सॉन में नहीं मिलता वो पंच में मिलता है, वो है क्रूज कंट्रोल, टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक AC, रेन सेंसिंग वाइपर, 90 डिग्री डोर और पडल लैंप। ऐसे कुछ एक फीचर और एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो हाँ अगर आपको फीचर्स चाहिए, आपको ज़्यादा साइज मैटर नहीं करता या आपको इंजन ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है, आपकी रनिंग केवल सिटी में है, तो फिर आप पंच भी ले सकते हो टॉप मॉडल, क्योंकि टॉप मॉडल चलाने का एक अपना अलग मज़ा है। तो अगर आपको सिटी में चलना है ना तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि पंच की पावर या पंच का इंजन आपको निराश करेगा, और छोटी गाड़ी है तो आपको इजीली हैंडल भी हो जाएगी, तो यहाँ पे आप क्रिएटिव पंच का ले सकते हो। लेकिन यहीं पे अगर आप एक ड्राइव को एंजॉय करना चाहते हो, आपको लगता है कि आप पावर को फील करोगे जब आप एक्सेलेटर में पैर रखो तो गाड़ी खींचनी चाहिए, भागनी चाहिए, तब फिर यार मुझे लगता है कि आप कुछ मत सोचो, नेक्सॉन के XM को पिक कर लो अगर आपका लगभग 8,40,000 या 8,45,000 एक्स शोरूम का बजट है। अब सेफ्टी देखें यार, तो सेफ्टी पहले आपको बता दूं दोनों ही टाटा की कार है तो सेफ्टी भरपूर है, बट आपको बता दूं जो नेक्सॉन है वो 5-स्टार रेटेड कार है और पंच भी, लेकिन स्कोर ऐसा है कि नेक्सॉन 5-स्टार है एडल्ट के लिए और 3-स्टार है चाइल्ड के लिए, लेकिन पंच 5-स्टार है एडल्ट सेफ्टी में और 4-स्टार है चाइल्ड सेफ्टी में। तो यहाँ पे क्रैश टेस्ट में रेटिंग जो है वो पंच की थोड़ी सी ज़्यादा है ओवरऑल, ठीक है। फीचर्स देखो तो नेक्सॉन में ABS, EBD, 2 एयरबैग, ब्रेक असिस्ट, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, हिल होल्ड कंट्रोल, ISO फिक्स, सेंटर लॉकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं, ESC ये सब मिलता है। मतलब फीचर्स वाइज अगर आप सेफ्टी में देखो तो नेक्सॉन की सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि पंच में स्टैंडर्ड सेफ्टी ही मिल रही है ज़्यादातर, जैसे डुअल एयरबैग, ABS, EBD, ISO फिक्स, सेंटर लॉकिंग और एक दो फीचर जैसे ब्रेक अवे कंट्रोल जैसे नए ऐड हो गए हैं। बाकी फीचर्स में नेक्सॉन के सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा बेहतर हैं, जैसे देखो ना बेस मॉडल से ही नेक्सॉन में हिल होल्ड मिल रहा है जो कि कोई भी कार ऑफर नहीं करती। कि सेफ्टी में मैं मुझे नहीं लगता कि ये एक बाइंग डिसीजन को चेंज करने वाला है, क्योंकि दोनों की जो क्रैश टेस्ट रेटिंग है वो बहुत ही बेहतर है। अब एक वेरिएंट ऊपर चलते हैं और XMS को कंपेयर करते हैं क्रिएटिव IRA से। अब देखो ये दोनों वेरिएंट में ज्यादा कुछ कंपैरिजन के लिए है नहीं, बट फिर भी आपको बता देता हूं, पहले तो प्राइस का डिफरेंस आप ध्यान रखना। अब XMS जो है XM से ही निकला हुआ वेरिएंट है, तो जो XM में फीचर्स मिलेंगे वो सारे ही फीचर्स XMS में रहेंगे। XMS में एड ऑन क्या है वो आपको बता देता हूं। पहला कि इसमें आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलता है, सेकंड की ऑटो हेडलैम्प ऐड हो जाते हैं, थर्ड रेन सेंसिंग वाइपर और फोर्थ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल ऐड हो जाता है। इसके अलावा सारे फीचर्स XM वाले ही रहेंगे। ऐसे ही क्रिएटिव IRA जो मॉडल है ना उसमें सारे फीचर्स क्रिएटिव वाले ही रहेंगे, बट एक्स्ट्रा में यहाँ पे IRA कनेक्टेड फीचर भी ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको सनरूफ चाहिए इन दोनों ही वेरिएंट में तो आप सिंपली नेक्सॉन की तरफ चले जाओ, क्योंकि पंच में तो सनरूफ है नहीं और सनरूफ बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस होती है, तो XMS उनके लिए बेहतर हो सकती है। या जिनको लगता था कि यार XM में फीचर्स थोड़े से कम है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह, तो वो भी चाहें तो XMS को ले सकते हैं। लेकिन यार जिनको बिल्कुल मॉडर्न कार चाहिए, सारे फीचर्स लोडेड हो और प्राइस वो इतनी अफोर्ड कर सकते हैं, इंजन और
सेम वही इंजन स्पेस इन सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो वो फिर पंच का क्रिएटिव IRA ले सकते हैं, क्योंकि कनेक्टेड फीचर है तो कनेक्टेड कार है, थोड़ा सा मॉडर्न फीचर आपको ऑफर कर रही है। आप बताओ इन दोनों में से आप कौन सी पिक करने वाले हो।